हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल टिंकी क्लब आते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा में कौन कौन से सर्विसेज मिल जाते हैं और इस सर्विसेज पे क्या फ़ायदा है। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में डिजिटल ग्रामीण सेवा के सारे सर्विसेज को स्टेप बाई स्टेप डिटेल्स बताने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यह बता दें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं सीएससी एंड बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते और शुरू करते हैं। तो चलिए हम डिजिटल ग्रामीण सेवा के डैशबोर्ड पर आ गए हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलती है। तो शुरू डिजिटल ग्रामीण सेवा के डैशबोर्ड पर आते ही आपको फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा डैशबोर्ड, सर्विस, रिपोर्ट, बैलेट, सपोर्ट, सेटिंग। यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने आईडी को अपग्रेड, यानी कि रिटेलर है तो डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर है तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है तो वाइट लेवल का एडमिन भी बन सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा केवाईसी अगर आप किए हैं तो यहाँ से अप्रूव हो जाएगा, और नहीं किए हैं तो आप जरूर कर लीजिएगा अगर डिजिटल ग्रामीण सेवा आप यूज़ करते हैं। चलिए आप अगले स्टेप में जानते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा का सर्विस। तो बैंकिंग सर्विस में आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट में ICICI का AEPS, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी कि आप कस्टमर का आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में आपको AEPS फिनो का मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एस बैंक का AEPS मिल जाएगा, AEPS RBL का मिल जाता है, यानी कि आप इस चारों AEPS को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभी किसी बैंक का AEPS डाउन हो जाता है तो आपको सिंपल से यहाँ पे चार AEPS देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप चारों AEPS पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस में आपको देखने को मिल जाता है मनी ट्रांसफर, यहाँ से सिंपल से अपने कस्टमर को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होता है, यहाँ से आप सिंपल से कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस हमको देखने को मिल जाता है CMS, यानी कि कैश मैनेजमेंट सर्विस। नेक्स्ट सर्विस हमको देखने को मिल जाता है कैश डिपॉजिट, यहाँ से अपने कस्टमर का कैश डिपॉजिट सिंपल से कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस हमको देखने को मिल जाता है ATM मशीन, यानी कि डिजिटल ग्रामीण सेवा के थ्रू आप ATM लेना चाहते हैं तो सिंपल से यहाँ पे आप ATM अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस हमको देखने को मिल जाता है स्टेटमेंट, यहाँ से कस्टमर या अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस हमको देखने को मिल जाता है कियोस्क बैंकिंग, यहाँ से आप बैंक का CSP सिंपल से अप्लाई कर सकते हैं, कुछ रुपया लगेगा और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट सर्विस हमको देखने को मिल जाता है हाईटेक का ATM मशीन, यानी कि आप ATM मशीन बड़े वाला लगवाना चाहते हैं अपने शॉप पे तो यहाँ से सिंपल से आपको ATM मशीन अप्लाई करने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सर्विस हमको देखने को मिल जाता है रिचार्ज एंड बिल पेमेंट। रिचार्ज एंड बिल पेमेंट में फर्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा मोबाइल रिचार्ज, यहाँ से कस्टमर का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, पोस्ट पैड बिल पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे लैंडलाइन का बिल पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रॉडबैंड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का बिल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखने को मिल जाता है हमको वाटर, यहाँ से आप पानी का बिल पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको देखने को मिल जाता है गैस, यहाँ से गैस बुकिंग आराम से कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमको देखने को मिल जाता है फास्टैग रिचार्ज, यहाँ से अपने कस्टमर का आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट में मेट्रो कार्ड का रिचार्ज, यहाँ से आप सिंपल से कर सकते हैं। LIC यानी कि यहाँ से LIC आप भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस हमको देखने को मिल जाता है गवर्नमेंट सर्विस में, सबसे पहले हमको देखने को मिल जाता है पैन कार्ड, UGI के थ्रू यहाँ से आप पैन कार्ड बना सकते हैं, यहाँ पे आप फूड लाइसेंस इनरोलमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमको देखने को मिल जाता है GST इनरोलमेंट, यहाँ से आप GST इनरोलमेंट कर सकते हैं। GST रिटर्न फाइल, यहाँ से आप आराम से अपने कस्टमर का कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ से कस्टमर का भर सकते हैं, यहाँ पे TDS रिटर्न काट सकते हैं। नेक्स्ट हमको देखने को मिल जाता है PVT LTD कंपनी रजिस्ट्रेशन, यहाँ से सिंपल से PVT LTD कंपनी रजिस्ट्रेशन अपने कस्टमर का कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस हमको देखने को मिल जाता है आधार कार्ड सेंटर अप्लाई, यहाँ से आप सिंपल से आधार कार्ड सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस हमको देखने को मिल जाता है रेलवे टिकट बुकिंग एजेंसी, यहाँ से आप रेलवे टिकट बुकिंग एजेंसी सिंपल से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से IRCTC का एजेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सर्विस हमको देखने को मिल जाता है कंसलेशन सर्विस। कंसलेशन सर्विस में आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, आधार उद्योग कस्टमर का बना सकते हैं, यहाँ से आप वोटर आईडी कार्ड, यहाँ से बस बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप होटल बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप फ्लाइट बुकिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट कर सकते हैं कैनरा में, कोटक में, RBL, इंडस, IDFC
और नेक्स्ट में आपको मिल जाता है उत्तर प्रदेश का सर्विस यहाँ पे मिल जाता है, नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा बिहार स्टेट ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस, नेक्स्ट में हमको मिल जाता है ऑनलाइन आधार अपडेट, नेक्स्ट सर्विस हमको मिल जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नेक्स्ट में हमको देखने को मिल जाएगा फिन केयर बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं आराम से यहाँ से, नेक्स्ट सर्विस हमको और देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नेक्स्ट में हमको यूनियन बैंक का अकाउंट आराम से ओपन कर सकते हैं यहाँ से HDFC ये सारा बैंक का अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, नेक्स्ट सर्विस एंड न्यू ऐड हुआ है यहाँ पे ई श्रम कार्ड अप्लाई, यहाँ से आप ई श्रम कार्ड सिंपल से अप्लाई कर सकते हैं। तो यह सारा सर्विस आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यह सारा सर्विस एक्टिवेट करने में, यानी कि CSP बैंक का CSP, ATM मशीन, IRCTC का एजेंट बनने में, आधार कार्ड अप्लाई करने में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, क्या क्या लगता है और इसका फी कितना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।